Assalamualaikum, Mount 3 students. How are you all? Okay, students. Today in English, our topic is use of a or an. We have done the reading from your book, page number 36 and 37. Now, here are the different words. With these words, you have to use a or an. Okay. Now, look at this. Let me recall first where we use a and where we use an. We use a with the words, those first letter are consonants. हम a ऐसे words के साथ use करते हैं जिनका first letter consonants हो और an उन words के साथ use करते हैं जिनका first letter vowels हो. ठीक है, जहां पे फर्स्ट लेटर वॉवल होगा वहां पे हम एन यूज करेंगे और जहां पे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा वहां पे हम आर यूज करेंगे. ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने आ और एन यूज करना है. आपने इसी तरह ये वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उनके लिखने के बाद आपने वीडियो को देखना है. वीडियो देखने के बाद आपने वीडियो बंद करके इन वर्ड्स के साथ आ और एन खुद से यूज करना है. इसको कॉपी डाउन नहीं करना. ठीक है, यानी कि ओरली आपने इसको करने की ट्राई करनी है. फिर वीडियो देखेगा कि आपने सही यूज किया है या गलत यूज किया है, कि आपने किन वर्ड्स के साथ आ यूज करना था और किन के साथ एन यूज करना था. चले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट वर्ड है हमारा अम्ब्रेला. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला क्या आएगा यहाँ पे? जी, एन अम्ब्रेला. यहाँ पे हम यूज करेंगे ए एन, एन अम्ब्रेला. हमने क्यों एन लगाया? बिकॉज यू इज वोवल. बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ अम्ब्रेला यू इज वोवल, तो हमने जो है यहाँ पे एन लगाया. उसके बाद है नेक्स्ट वन पेंसिल. आ पेंसिल और एन पेंसिल. जी, अ पेंसिल. हम क्या ये यूज करेंगे यहाँ पे? आ हमने क्यों यूज किया? बिकॉज पेंसिल का पी जो है फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट है, तो हमने आ पेंसिल यूज किया. नेक्स्ट वन है आ बनाना और एन बनाना. यस, आ बनाना. आ बनाना बिकॉज के फर्स्ट लेटर बी इज कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन आ ओवर हियर. नेक्स्ट वन आ डॉग और एन डॉग. आ डॉग हम यहाँ पे लिखेंगे आ, बिकॉज D is consonant. That's why we use a over here. Next one is an ice cream or a ice cream. Yes, an ice cream. Because I is vowel. That's why we use an over here. Next one, a pear or an pear. A pear. Because P is consonant. That's why we use a over here. And the next one is a nest or an nest. Yes, answer is a nest. We write a over here because an is consonant. That's why we use a over here. Okay, hope so that you understand that we use a with the consonant and an with the vowels. So like this you have to do your work in your notebook. Okay, thank you.